उत्तर प्रदेश की तेज तर्राट IAS चंद्रकला के बारे में यह कहा जा रहा है कि CBI द्वारा उनके खिलाफ जो प्रकरण दर्ज किया गया है उसमें उन्हें जेल की यात्रा भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलहाल CBI द्वारा मात्र उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने बगैर टेंडर के खनन के ऑर्डर दे दिए थे, यानी जो खनन माफिया था उसके हाथों खेलते हुए चंद्रकला द्वारा बगैर टेंडर के ही उन्हें आवंटन कर दिया गया। इस पूरे मामले में अखिलेश सरकार के मंत्री भी फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर संभावना यही लग रही है कि बबुआ और बहन जी के मिलन के बाद CBI ने अब चंद्रकला के साथ साथ अखिलेश और उनके मंत्री पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल इस बात की संभावना कम ही दिखती है कि चंद्रकला को जेल की हवा खाना पड़े। लेकिन इतना तो तय है कि इस तेज तर्राट IAS के ऊपर CBI पैनी नज़र रखे हुए है और उनकी संपत्ति की भी नए सिरे से जांच हो रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।